हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजांगो को हम मोबाइल में ही कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बोलकर। यहाँ पर देखो, मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा तुम भी कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बोलकर। यहाँ पर देखो, उससे पहले इंस्टॉल करने से पहले हम डिजांगो बोले तो क्या है उसको समझेंगे। डिजांगो बोले तो एक फ्रेमवर्क है। हम इस डिजांगो से हम वेबसाइट कर सकते हैं। ये बैकएंड प्रोग्राम है। देखो, तुम जावा में वेबसाइट क्रिएट करने के लिए क्या करते थे? तुम जावा में वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सर्वलेट एंड जेएसपी पढ़ते थे। तुम सर्वलेट एंड जेएसपी यूज से वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे। ऐसे ही तुम जावास्क्रिप्ट पढ़े, जावास्क्रिप्ट से हम फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। और बैक एंड डिजाइन करने के लिए तुम क्या कर सकते थे? नोड जेएस को पढ़ते थे। ऐसे ही पाइथन में तुम वेब डेवलपमेंट करना बोले तो डिजांगो को और फ्लास्क को चुना तुम रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे डिजांगो के बारे में। डिजांगो से हम वेबसाइट बन सकते हैं। देखो, इसको हम मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करने के लिए, बहुत आसान। पहले पहले मैं तुम्हारे को पहले से बताऊंगा हम कैसे इंस्टॉल कराओ। मैं पहले से तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर मैं पहले ही तुम्हारे को दिखाऊंगा। यहाँ पर टर्मक्स में मैं इसका सर्वर ऑन कराओ। इस सर्वर को मैं अब क्लोज करूंगा। बस अब मैं कंट्रोल डी मारकर इस टर्मक्स को ही क्लोज करूंगा। अब पहले से बताने के लिए मैं इस टर्मक्स को ही अनइंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पर देखो, इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। अब अनइंस्टॉल होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, अब देखो इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। अनइंस्टॉल हुआ है टर्मक्स। अब मैं प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर में जाकर मैं टर्मक्स को मारूंगा। यहाँ पर मेरे सामने टर्मक्स ही आया। यहाँ पर तुम प्ले स्टोर में जाकर ऐसा टर्मक्स को मारो। टर्मक्स पे मारने के बाद तुम्हारे इंटरफेस में ऐसा आएगा। अब इसको इंस्टॉल करो तुम। यहाँ पर मेरे सामने इंस्टॉल हो रहा है। इसको इंस्टॉल करने के बाद बहुत आसान है हम यूज करने के लिए डिजांगो। थोड़ा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल होने के लिए। यहाँ पर ले रहा थोड़ा टाइम। हाँ, थोड़ा उसके बारे में, डिजांगो के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा इसको इंस्टॉल होने तक। डिजांगो बहुत यूजफुल है। मैं क्यों बता रहा हूँ डिजांगो के बारे में बोले तो, हम पाइथन प्रोग्राम से इसको कर सकते हैं बोले तो। पाइथन में बहुत 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 मशीन लर्निंग और डाटा साइंस बोलकर बहुत बहुत हमारे को अपॉर्चुनिटीज है। हमारा वेबसाइट में हम मशीन लर्निंग मॉडल को ला सकते हैं। ऐसे इसलिए हम डिजांगो पढ़ना, सब लोग डिजांगो को पढ़ना। ओके, अब हमारा टर्मक्स इंस्टॉल हुआ, उसको ओपन करूंगा मैं। ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अब मैं इसको क्या करना बोल दो, थोड़ा टर्मक्स को अपडेट करना ना। अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एपीडी अपडेट मारूंगा। बस अब अपडेट हुआ है। अपडेट होने के बाद इसको अपग्रेड करने का अपग्रेड कर रहा हूँ। देख, थोड़ा टाइम लेगा, अपग्रेड हो रहा। बस देखो, अपग्रेड हो रहा। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्पीड है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा। तुम्हारा स्लो भी रहता, थोड़ा स्लो भी होता। थोड़ा टाइम तुम यहाँ पर पेशेंस रखना। बस यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगे रहा। ओके, अब इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा स्क्रीन को। बस अब इस टर्मक्स में हमें पाइथन को इंस्टॉल करना ना। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पीकेजी इंस्टॉल पाइथन को मारूंगा। बस इतना ही। अब देखो, पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। ओके, वाई मारूंगा मैं। अब पर देखो, मेरा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। पर देखो, थोड़ा टाइम लगेगा बस इसको इंस्टॉल होने के लिए। अब हो रहा मेरा इंस्टॉल। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद अब देखो, मैं क्या, पाइथन मेरा बस इंस्टॉल हुआ। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं क्या कर सकता बोले तो, हम डिजांगो को इंस्टॉल करना ना। डिजांगो को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पाइथन में पिप बोलकर आएगा। कौन सा भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर, हम पिप बोलकर मारेंगे। पिप इंस्टॉल डिजांगो मारो, बस इतना ही। डिजांगो मारो।
अब ये डिजांगो भी इंस्टॉल हो रहा, बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर देखो डिजांगो भी इंस्टॉल हो रहा है। हाँ ओके सक्सेसफुली। अब देखो डिजांगो इंस्टॉल हुआ, तो मेरे को कैसा पता होता है इसको इंस्टॉल हुआ बोले तो, यहाँ पर इतना मारो डिजांगो एडमिन बोलकर मारो, एडमिन बोलकर मारो, पता होगा तुम्हारे को इंस्टॉल हुआ। देखो अब पर तुम्हारे को पता हो रहा है डिजांगो इंस्टॉल हुआ नहीं बोलकर। अब तुम्हारे को, अब पहले पहले तुम्हारे को डिजांगो में कॉन्सेप्ट है बहुत सारे कॉन्सेप्ट में। अब पहले पहले तुम क्या भी करना बोलो तो प्रोजेक्ट में करो, प्रोजेक्ट में ऐप बनाओ, ऐसा डिजांगो में कॉन्सेप्ट है। पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनने के लिए यहाँ पर है देखो स्टार्ट प्रोजेक्ट बोलकर। अब मैं पहले यहाँ पर तुम्हारे को एलएस दे तो कुछ भी नहीं दिखेगा हमारे को, इसलिए पहले पहले मैं क्या करूंगा बोलो तो, डिजांगो स्टार्ट प्रोजेक्ट बोलकर मैं मारूंगा, स्टार्ट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम मेरा नाम ही देऊंगा मैं, उस प्रोजेक्ट का नाम अकी बोलकर दूंगा बस। अकी बोलकर देने के बाद अब प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, एलएस मारूंगा। एलएस बोले तो ये इस टर्मबॉक्स में क्या क्या लिस्ट है ना मेरे को दिखाओ बोलकर, एलएस लॉन्ग लिस्ट है। अकी अकी एक डायरेक्टरी है, यहाँ पर दिख रहा है देखो ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर में टर्मबॉक्स में दिखे तो एक डायरेक्टरी बोल, डायरेक्टरी बोले तो फोल्डर, फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं क्या करना बोले तो, चेंज डायरेक्टरी सीडी कमांड है, सीडी कमांड को मैं मारूंगा, अकी बोलकर मारूंगा। देखो अकी बोलकर सीडी में मारने के बाद और एलएस मारूंगा, इस अकी में कितना फाइल है मैं मेरे को बताओ बोलकर मैं मारा। अब देखो अकी के अंदर और एक फोल्डर है अकी बोलकर, और उसके और एक फाइल है manage.py बोलकर एक फाइल है। अब इस फाइल को हम रन करें तो हमारा सर्वर रन होता, बहुत आसान है। तुम्हारा लैपटॉप में कैसा दिखता है ना वैसे ही है सिर पे, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं। अब मैं पैथन manage.py बोलकर मारूंगा, और py बोलकर मारने के बाद अब रन सर्वर मारूंगा, रन सर्वर। इतना ही करो बस, तुम्हारे को नहीं पता हो तो पैथन डॉट manage.py मारो, यहाँ पर दिखेगा तुम्हारे को, यहाँ पर रन सर्वर लास्ट में दिखा रहा देखो। इसके साथ इतना कमांड यूज कर सकते तुम। हमें अब रन सर्वर को मेरे को करना है, रन सर्वर को, रन सर्वर, रन सर्वर को करना है बोले तो, अब रन सर्वर को करूंगा, हमारा सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पर 8000 पर हमारा सर्वर रन हो रहा है। तुम जाकर तुम्हारा क्रोम ब्राउजर में जाकर ऐसा मारो, मैं क्रोम ब्राउजर में जाऊंगा और इसको एक न्यू टैब बोलकर मारूंगा, न्यू टैब बोलकर मारूंगा। न्यू टैब बोलकर मारने के बाद लोकल होस्ट 8000। अब देखो ऐसा मारने के बाद मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन डेस्कटॉप साइड में करूंगा। देखो अच्छा देखिएगा, ऐसा हमारे के पास ऐसा इंस्टॉल हुआ। अब टर्मक्स हमारे को, हमारे पास डिजांगो इंस्टॉल हुआ। डिजांगो इंस्टॉल होने के बाद हम डिजांगो में हेलो वर्ल्ड लिखना बोले तो लिखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में लिखेंगे। इसी तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल हुए तो कंग्रेचुलेशन आ रहा है, ऐसे ही मेरा कमेंट में ही तुम लिखो कंग्रेचुलेशन बोलकर और सक्सेसफुल बोलकर लिखो, ऐसे ही मेरे को बहुत खुश होता है मैं तुम लिखने के बाद। ऐसे ही तुम भी इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत आसान है इसको। अब मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा वहां पर जाकर टर्मबॉक्स में जाकर, यहाँ पर कंट्रोल सी बोलकर मारूंगा, कंट्रोल सी मारकर मारने के बाद वहां पर जाऊंगा वापस। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखो नहीं आ रहा। देखो एक और एक बार न्यू टैब खोलूंगा, न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 मार, यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि वो सर्वर में ऑफ करा हो लोकल होस्ट, उसको ऑन करने के लिए बहुत आसान है। और एक बार यहाँ पर मारो ऐसे पाइथन manage.py ट्रांसफर, बस इतना ही, यहाँ पर मारो तुम बस इतना ही। कंट्रोल सी पर जाओ और यहाँ पर जाओ, थोड़ा रिफ्रेश करो इसको, देखो आ गए। देखो बहुत आसान है इंस्टॉल करने के लिए, बहुत आसान है। थोड़े इसको अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तुम्हारे को इसमें हेलो वर्ल्ड कैसे लिख सकते हैं बोलकर। मैं ऐसे डिजांगो को ट्यूटोरियल में इस मेरा यूट्यूब में लाना सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।